हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एथिक्स के बारे में और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि व्हाई एथिक्स आर सो इम्पॉर्टेंट इन सेल्स, और साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सेल्स में हम एथिक्स को कैसे लिखें और कैसे फॉलो करें। तो गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, और ये टॉपिक मैंने पिक किया है मेरी बुक परफेक्ट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। मैंने अलग अलग चैप्टर्स में कई जगह एथिक्स के बारे में बात की है, एथिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि एथिक्स है क्या, एथिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, और एथिक्स को कैसे हम ड्राफ्ट कर सकते हैं या कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे सेल्स के दौरान। तो गाइज, शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, जब हम बात करते हैं एथिक्स की, तो हम कह सकते हैं कि एथिक्स जो है क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो हमें सेल्स और बिजनेस दोनों में हेल्प करता है टू गेन सक्सेस। और अगर हम कहें तो एथिक्स दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, रिटर्न एंड नॉन रिटर्न। बट ऑर्गेनाइजेशंस को और सेल्स पीपल को भी चाहिए कि वो अपने एथिक्स को फॉर्मली कोड ऑफ कंडक्ट की तरह से राइट डाउन करके रखें, प्रॉपरली डिज़ाइन करें, समझें और उसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करें। तो इसका काफ़ी हद तक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके सेल्स पे भी पड़ेगा, सेल्स प्रोसेस पे भी पड़ेगा, साथ ही साथ ओवरऑल आपके बिज़नेस की ब्रांडिंग, बिज़नेस की पोजिशनिंग, उसके ऊपर भी पड़ेगा। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एक और ये भी पड़ेगा कि आपके कस्टमर्स जो हैं वो एक तो आपके लिए लॉयल रहेंगे, उनके साथ में आपका बेटर रेपो, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और कनेक्ट बन पाएगा, और वो कस्टमर आपके रिपीट कस्टमर्स भी होंगे, और साथ ही साथ वहाँ से आपको अच्छे खासे रेफरेंसेस भी मिलेंगे। तो इसीलिए अगर हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो एथिक्स को फॉलो करना सेल्स पीपल के लिए या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम बात करेंगे फर्दर इस टॉपिक को लेके, चलिए शुरू करते हैं। गाइज, जब हम कहते हैं कि वी शुड फॉलो एथिक्स और एनी सेल्स पर्सन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो एथिक्स, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल अबाउट प्रोडक्ट, सर्विसेज, ऑफरिंग, इंफॉर्मेशन शेयर्ड, एवरीथिंग, वट एवर लाइक दे आर कम्युनिकेटिंग, दे आर टेलिंग अबाउट देयर प्रोडक्ट, सर्विसेज, ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स पीपल, मतलब जो भी आप कम्युनिकेट कस्टमर को, पोटेंशियल कस्टमर्स को, ऑडियंस को कर रहे हैं, यू शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल अबाउट ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स यू आर शेयरिंग। देन एथिक्स ऑल्सो हेल्प बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस विद द कस्टमर। इसका मतलब ये है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉलो करता है एथिकल प्रैक्टिसेस और क्लाइंट उसमें कनेक्ट कर पाते हैं बेहतर तरीके से, तो इसकी वजह से क्या होगा कि क्लाइंट का कनेक्ट आपके साथ स्ट्रांग होगा, रेपो बेटर बन पाएगी, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस क्लाइंट को ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, सेल्स पीपल के ऊपर और आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट है कि फॉलोइंग फेयर प्रैक्टिसेस। एथिक्स जब आप फॉलो करते हैं तो यू शुड फॉलो फेयर प्रैक्टिसेस, यू शुड बी फेयर अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, लाइक ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज क्या हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल्स क्या हैं, किस तरह के टारगेट सेगमेंट को आप अप्रोच कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, क्या फीचर्स हैं, तो वट एवर इंफॉर्मेशन इज देयर दैट शुड बी फेयर एंड दैट शुड बी रेडिली अवेलेबल टू ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द मार्केट, चाहे वो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हों चाहे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हों, तो इट शुड बी अ ट्रांसपेरेंट। गाइज, अब हम बात करने वाले हैं वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग एंड राइटिंग योर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है। ज़रूरी इसलिए है कि जो भी आप एथिकल प्रैक्टिसेस फॉर्म कर रहे हैं, दैट शुड बी लाइक इन्फॉर्म टू ऑल स्टेक होल्डर्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो जब एक्सटर्नल पीपल आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, मे बी योर कस्टमर, स्टेक होल्डर्स, मे बी दी रेगुलेटरी अथॉरिटी, जब उनके साथ में वो डील करें, तो वो सारे एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं या सेल्स पीपल के लिए, वो प्रॉपर तरीके से फॉलोअप हो पाएँ, और कहीं भी ऐसी गुंजाइश ना रहे कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ब्रीच हो, वो फॉलो ना हो पाए। तो इसीलिए ज़रूरी है कि रिटर्न डाउन पॉलिसी अबाउट एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी देयर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको फॉर्म कैसे करना चाहिए, वो स्टेप बाई स्टेप तरीके से अब हम बात करते हैं।
गाइस, सबसे पहला पॉइंट है सॉलिसिटिंग कस्टमर्स। इसका मतलब ये है, सबसे पहले जो हम फ्रेमवर्क तैयार करेंगे वो ये तैयार करेंगे कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स कौन से होंगे, कौन सा हमारा टारगेट सेगमेंट होगा, किस तरह से हम अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे उन्हें हम अप्रोच करेंगे। गाइस, सेकेंड पॉइंट है कम्युनिकेट विद कस्टमर्स। इस पॉइंट का मतलब ये है कि फर्स्ट पॉइंट में तो हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारे कस्टमर कौन से होंगे, किस तरह से हमें उनको अप्रोच करना है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमको कम्युनिकेट किस तरह से करना है इन कस्टमर्स के साथ में या पोटेंशियल कस्टमर के साथ में, कौन कौन से वे ऑफ कम्युनिकेशन है जो हम फॉलो करने वाले हैं और किस तरह से कौन फर्स्ट पर्सन होगा टू कम्युनिकेट विद दीज पीपल और किस तरह से हम उस कम्युनिकेशन को चैनलाइज करेंगे। गाइस, थर्ड पॉइंट है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब है अब हम अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को डिफाइन करेंगे कि वो क्या परसीव्ड वैल्यू रखते हैं और उसकी प्राइसिंग और कॉस्टिंग जो है हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, वो पैरामीटर्स हम यहाँ डिफाइन करते हैं कि हम क्या फेयर वैल्यूएशन रखेंगे या क्या फेयर प्राइसिंग रखेंगे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। गाइस, फोर्थ पॉइंट है हैंडलिंग कंप्लेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ सेल्स अगर किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स या कंप्लेंट्स अराइज होती है फ्रॉम द साइड ऑफ द कस्टमर और फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो हम उस सिचुएशन में किस तरह से ट्रीट करेंगे, क्या हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा, किस तरह से हम उसको एड्रेस करेंगे, किस तरह से हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल पीपल होंगे जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, तो ये सब चीज़ें जो है ये डिफाइन करना भी बहुत ज़रूरी है इस प्रोसेस में। गाइज, फिफ्थ पॉइंट है लेबर एग्रीमेंट। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हम एक पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का डिफाइन करके रखेंगे या डिज़ाइन करके रखेंगे कि जब भी हम टर्म्स एंड कंडीशन सेट करेंगे एक सेल्स की, एक सेल्स प्रोसीजर की विद कस्टमर या साइन ऑफ करेंगे हम कस्टमर के साथ फाइनली सेल्स को, तो क्या एग्रीमेंट रहने वाला है, वो सब टर्म्स एंड कंडीशंस डिटेलिंग किस किस तरह से उस एग्रीमेंट का पार्ट होगी, वो हम यहाँ पे पहले से डिफाइन करके रखेंगे। गाइज, सिक्स पॉइंट है कॉमर्शलिज्म स्ट्रेटजीज। यहाँ पे हम कॉमर्शियल स्ट्रेटजीज डिफाइन करेंगे विच कैन इंक्लूड टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइसिंग, वैल्यू ऑफ द इनवॉइसिंग, टैक्सिंग पार्ट है, जो भी कॉमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस यूज होंगे इन दिस एग्रीमेंट, मतलब फाइनल सेल ऑफ एग्रीमेंट या इनवॉइसिंग, तो वो क्या क्या रहेंगे, किस तरह से रहेंगे, वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। गाइज, सेवन्थ पॉइंट है बिल्स एंड अकाउंट्स। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि हमारे फाइनेंशियल टर्म्स जो हैं वो किस तरह से रहेंगे, अगर हम कोई ट्रेड डिस्काउंट देते हैं तो वो किस तरह से रहेंगे, पेमेंट टर्म्स अगर हम कुछ डिफाइन करना चाहते हैं तो वो किस तरह से रहेगा, इसके अलावा किसी और तरह का कोई भी फाइनेंशियल टर्म रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो सब हम यहाँ पे डिफाइन करके रखेंगे। गाइज, एट पॉइंट है गारंटी, वारंटी, रिपेयर्स या रिप्लेसमेंट। इस पॉइंट में हम वो सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे जो हमारे गारंटी, वारंटी, रिप्लेसमेंट और रिपेयर्स को लेके है, उसके लिए कोई डिफाइंड टाइमलाइंस है या गारंटी वारंटी अगर कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए तो वो स्पेसिफिक पीरियड कितना होना चाहिए, रिपेयर्स अगर या रिपेयर्स या रिप्लेसमेंट्स अगर हम दे रहे हैं तो वो किस तरह से, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, क्या टाइमलाइंस होनी चाहिए, तो किस किस तरह से किस किस स्टेज पे हम कितना कितना रिफंड या कितना कितना रिप्लेसमेंट्स कर पाएंगे, वो सारा टर्म्स कंडीशंस कैसे रहने वाला है, इस पॉइंट में हम वो सब चीज़ें डिफाइन करते हैं। गाइज, नाइन्थ पॉइंट है प्रोसीजर्स फॉर डिस्टिंक्टिव ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। इन केस अगर ऐसा होता है कि कभी कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच होता है तो उस केस में क्या रिपरकशन होगा, क्या जो प्रोसीजर्स है, प्रैक्टिसेस है वो फॉलो होंगी, अगर वहाँ पे कोई लीगल बाइंडिंग है तो वो किस तरह की होगी, अगर लीगल बाइंडिंग के अगेंस्ट में कोई कोर्ट केस में जाना है या कोई सेटलमेंट करना है तो उसका प्रोसीजर कैसे होगा, वो चीज़ें हम यहाँ डिफाइन करते हैं। गाइज, टेंथ पॉइंट है एडिशनल डेटा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी चीज़ें जो हमने ऊपर के पॉइंट्स में डिस्कस नहीं की है, अगर ऐसी कोई चीज़ें या इन्फॉर्मेशन हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है तो वो चीज़ें हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट है, इसमें हम कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हम शेयर करना चाहें, इंक्लूड करना चाहें, वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। गाइज, अभी हमने बात करी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स के बारे में, हाउ टू ड्राफ्ट एंड राइट देम, व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे कॉमन मोरल ब्लंडर्स की जो नॉर्मली हम देखते हैं सेल्स में होते हुए,
इन सब से कैसे बचा जा सकता है, तो यहाँ पे हम इस बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ओवर प्रॉमिसिंग। कई बार ऐसा देखने में मिलता है कि सेल्स पीपल या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ओवर प्रॉमिस करते हैं क्लाइंट्स को किसी भी तरह का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ प्रॉमिस कर रहे हैं वो डूएबल हो। कभी भी आप ऐसी चीज़ ओवर प्रॉमिस ना करें जो आप डिलीवर ना कर पाए। तो इसीलिए ज़रूरी है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड योर लिमिटेशंस, कि आप कहाँ तक किस स्टेज तक कस्टमर को हेल्प कर सकते हैं या एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं, उसकी डिमांड्स फुलफिल कर सकते हैं। तो यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन, और ओवर प्रॉमिस करना कभी भी नहीं चाहिए। तो जो आप प्रॉमिस करते हैं वो आप डिलीवर करें, और जो आप डिलीवर कर सकते हैं वही आप प्रॉमिस करें। गाइज, सेकेंड पॉइंट है विदहोल्डिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और मिसलीडिंग द क्लाइंट। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो रिलेवेंट नहीं है वो क्लाइंट से शेयर ना करें, और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो क्लाइंट के लिए रिलेवेंट है उसे हाइड ना करें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को लेकर ट्रांसपेरेंट रहें। तो उससे क्या होगा कि अगर आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रॉपरली शेयर करेंगे, तो कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट, आपके ऊपर जो ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, वो बना रहेगा, बढ़ता रहेगा। साथ ही साथ क्लाइंट के साथ आप बेहतर रैपो बिल्ड कर पाएंगे और रिलेशनशिप भी आप स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। गाइज, थर्ड पॉइंट है फेलिंग टू ऑनर योर कमिटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपना कमिटमेंट फुलफिल करें। अगर आपने कोई भी चीज़ कमिट की है तो यू नीड टू इंश्योर कि आप वो पूरा कर पाएँ। कोई भी आप ऐसी चीज़ कस्टमर को कमिट ना करें जो आप फुलफिल नहीं कर सकते। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको शेयर करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, और आपको जानना चाहिए कि क्या फाइनल लिमिट्स है जहाँ तक आप जा सकते हैं, और किस लिमिट पे आपको या किस पॉइंट पे जाके आपको स्टॉप कर देना चाहिए। आप वहीं तक कस्टमर को कमिट करें जहाँ तक आप फुलफिल कर पाएँ। तो गाइज, ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि एथिक्स क्या है और एथिक्स किस तरह से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स में या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, और साथ ही साथ हमने समझने की कोशिश करी कि एथिक्स फॉलो अगर हम करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और हमने जाना कि एथिक्स, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्म करना क्यों ज़रूरी है, और किस तरह से हम एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को ड्राफ्ट कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव और इसका जो आउटकम है वो हमारे फेवर में हो सकता है किस तरह से, ये हमने समझा। और साथ ही साथ हमने लास्ट में ये जानने की कोशिश करी कि कौन कौन से कॉमन मोरल ब्लंडर्स हैं जो हम सेल्स में या फॉलोइंग सेल्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस करते हैं, जिससे हमको बचना चाहिए, और हमें इंश्योर करना चाहिए कि वी आर फॉलोइंग फेयरनेस, वी आर शेयरिंग ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन विद द कस्टमर, एंड वी आर डीलिंग विद द राइट एथिक्स। और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन लेके हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।